देश की राजधानी दिल्ली विच कोरोना मरीजों के इलाज लई प्लाज्मा बैंक शुरू हो गया है। इस दी जानकारी देंदे हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने लोगों नूं अपील की कि प्लाज्मा बैंक ता ही सफल होणगे जेकर कोरोना नाल ठीक होए लोग प्लाज्मा दान करनगे। उत्थे ही भारत विच कोरोना दा कहर लगातार वधदा जा रहा है। भारत विच कोरोना दे मामले 6 लाख तो पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटे विच 19,148 मामले सामने आ चुके हैं और इस दे नाल ही 434 मौतां भी हुई हैं। सबको नमस्कार। आज से दिल्ली में प्लाज्मा बैंक शुरू हो रहा है। कोरोना के इलाज के लिए ये शायद देश का पहला प्लाज्मा बैंक है। अभी तक लोगों को प्लाज्मा लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और दिल्ली में सुनने में आ रहा था कि लोग काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है दिल्ली के अंदर। इस प्लाज्मा बैंक के बन जाने से उम्मीद करते हैं कि ये दिक्कत लोगों की दूर होगी, लेकिन ये प्लाज्मा बैंक तभी सफल होगा जब लोग आगे आके प्लाज्मा डोनेट करेंगे। अगर प्लाज्मा डोनेट नहीं करेंगे तो आगे प्लाज्मा दिया कैसे जा सकेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ठीक हो गए हैं कोरोना से, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। इसकी एलिजिबिलिटी बड़ी सख्त है, कौन लोग प्लाज्मा दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कोरोना हुआ होना चाहिए, बीमारी हुई हो, आप बीमारी से ठीक हो गए हों और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो गए हों। आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। आपका वजन 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए। महिलाएं जो जिंदगी में कभी भी एक बार भी कभी प्रेग्नेंट हुई वो नहीं दे सकती। जो लोग जिनको शुगर की बीमारी है और जो इंसुलिन लेते हैं, या जिन लोगों की शुगर स्टेबल नहीं है वो नहीं दे सकते। जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी है या बीपी 140 के ऊपर है वो नहीं दे सकते। जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं वो नहीं दे सकते। जिनको क्रोनिक किडनी, हार्ट, लंग या लिवर की बीमारी है वो नहीं दे सकते। सो अपने पास ये अगर सारे लोगों को हटा दें तो, और कोरोना से जो अभी तक, वैसे तो कोरोना से दिल्ली में 58,000 लोग ठीक हुए, लेकिन 58,000 लोग तो कल तक ठीक हुए, 14 दिन पहले, और फिर इतनी सारी कंडीशंस कर दें तो काफ़ी कम लोग बचेंगे। उन सब लोगों को सामने आके प्लाज्मा डोनेट करना पड़ेगा।